हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्लास सिक्स सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत और चैप्टर सिक्स राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य हम पढ़ रहे थे। इसमें जनपद और महाजनपद के विषय में हमने पढ़ा है और यहाँ तक पढ़ा है कि एक दीवार राज्य को सुरक्षित रखने के लिए दीवारें बनवाई जाती थी और उसमें बहुत मेहनत लगती थी। तो अब राजा को उन सब की रक्षा के लिए, दीवारों की रक्षा के लिए या कोई भी कार्य के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती थी और मेहनत उसे बहुत लगती थी और वेतन देना पड़ता था। तो अब इसके लिए राजा को करों की आवश्यकता होने लगी। तो वो कर जो है कैसे लगाता था राजा, कि महाजनपद के राजाओं को बड़ी सेना रखने के लिए, किला बनवाने के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता पड़ी और उसके लिए उन्होंने लोगों पर कर लगाने शुरू कर दिए। जैसे महाजनपद होते थे उसमें जो लोग ज़्यादा होते थे वो किसान होते थे, इसीलिए महत्वपूर्ण कर फसलों पर लगाया गया। यह फसल का 1.1/6 भाग होता था, 1.6 हिस्सा होता था जिसे भाग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भाग। और किसे कहा जाता था? जो कर किसानों पर लगाया जाता था वो 1/6 भाग अपनी फसल में से उसे देना होता था, तो ये भाग कहा जाता था। फिर कारीगरों पर भी कर लगाया जाता था, जो श्रम के रूप में पूछ चुका जाता था। जैसे कोई भी बुनकर है, लुहार है, सुनार है, उन्हें महीने में 1 दिन का काम राजा के यहाँ करना पड़ता था। फिर पशुपालक हैं, जानवर हैं, इनको भी कर देना पड़ता था। व्यापारी कोई भी अगर सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उनके ऊपर कर देना पड़ता था। जो शिकार हैं, अपना संग्रह करते हैं, जंगल से वस्तुएं प्राप्त कर होती हैं, वो उनको देनी होती थी। तो इस प्रकार से उन पर कर लगाया जाता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे कृषि में भी परिवर्तन आया। दो परिवर्तन आए कि हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। तो लोहे के फाल द्वारा अब कठोर भूमि को भी आसानी से जोता जा सकता था। इससे क्या हुआ फायदा, कि लोगों की उपज बढ़ गई। धान के पौधों का रोपण भी शुरू किया गया। खेतों में बीज छिड़कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध लगाकर उनका रोपण शुरू कर दिया गया। तो पहले की तुलना में ज़्यादा जो है जीवित रहते थे, पौधे लंबे समय तक रहते थे, तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी। तो इसलिए काम को अधिकतर दास दासी ये सब जो है करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण। फिर मगध के विषय में बताया गया यहाँ पर कि लगभग 200 वर्षों के बीच मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। जब गंगा और सोन नदियों जैसे इसमें से होकर इस पे से मगध से होकर बहती थी, तो यातायात, जल वितरण आदि को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध में जंगल भी बहुत थे। हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था, सेना में रखा जाता था, उनको सेना में काम लाया जाता था। जंगलों से घर, गाड़ियां, रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। बहुत मतलब इसमें मगध में जो है उन्नति हुई। बिंबिसार और अजातशत्रु मगध के दो शक्तिशाली शासक बने। फिर अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव प्रयास करते थे, ये कुछ भी साधन अपनाते थे। इनका उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया। बिहार में भी कई सालों तक मगध राजधानी बनी रही। पाटलिपुत्र जो आज का पटना है इसको भी राजधानी बनाया गया। फिर 2300 साल पहले की बात है, मैसिडोनिया का एक राजा सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था और इसमें पूरी तरह से सफल न होने के पर भी मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंच गया। तो जब उसने मगध की ओर को जाना चाहा तो सिपाहियों ने इनकार कर दिया। सिपाही इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। तो इसलिए जो है अब वज्जी के विषय में हम पढ़ेंगे। वज्जी जो है यह भी एक मगध का शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके समीप ही जो है मगध जो है शक्तिशाली राज्य बन गया। उसके समीप था वज्जी, तो इसकी राजधानी थी वैशाली। यहाँ पर भी जो अलग किस्म की शासन व्यवस्था जिसे गण या संघ कहते थे, ठीक है। और फिर इसमें कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ भी शासन करते थे, जिसे से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सब जो है कुछ अनुष्ठान भी करते थे। सभी राजाओं की सभा में बातचीत भी होती थी, वाद विवाद भी होते थे। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं भी करते थे। स्त्रियां था दास था कमकार इसमें हिस्सा नहीं ले सकते थे। दोनों ही बुद्ध और महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे।
इन संघों में कोई शक्तिशाली राजा जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उन्होंने राज्य अब से 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर ली। इसमें और कुछ भी है, कुछ आगे अन्यंत्र में बताया गया है कि लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोग द्वारा स्थापित की गई शासन प्रणाली को प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था कितने साल तक चली? 200 साल तक। और इसमें क्या था कि 30 साल से ऊपर के सभी पुरुष को पूर्ण नागरिकता प्राप्त हो। जैसे अब जो है हमारे देश में भी है, सभी को नागरिकता प्राप्त है, तो उसमें भी क्या था, जो 30 साल से ऊपर के व्यक्ति होते थे ना, उनको सभी को नागरिकता प्राप्त थी। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेती थी, और इसे कम से कम 40 बार तक बुलाया जाता था। इस सभा में क्या होता था, केवल नागरिक ही भाग ले सकते थे। लाटरियों द्वारा शासन के कई पदों पर नियुक्ति भी की जाती थी। नौसेना और सेवाएं सेना भी की सेवाएं देनी पड़ती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं देना मिलता था। एथेंस में रहने वाले, काम करने वाले बहुत से विदेशी व्यापारी शिल्पकारों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। उन्हें दासों को भी अधिकार नहीं मिलते थे। धन्यवाद बच्चों, कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आपको इस लेसन की रीडिंग अच्छे से करनी है। धन्यवाद बच्चों।